हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा लोचा हो गया था अपने, सो अपनी वो क्लास जो है प्रॉपर नहीं से चल पाई थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम दोस्तों दूसरी क्लास अपनी लेके आ गए हैं, सेकेंड क्लास जो है। सो बेसिकली आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपके साथ में नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा, साउथ अमेरिका होगा, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना साउथ अमेरिका। सो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्या आपका, दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका डिस्कस करेंगे दोस्तों। यूपीएससी सीएससी 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 25 हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ बता दूं मैं आपको दोस्तों, सुमित 10 ये मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। देखो, जब भी आप एन अकेडमी पे जाते हो ना, यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन। सो अगर आप सुमित 10 का यूज करते हो, सो अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वैसे 92,000 का है टू ईयर का सब्सक्रिप्शन, बट एन अकेडमी इसको अभी कितने में दे रहा है, 52,000 में, है ना। आप मेरा कोड यूज करो, यू कैन गेट दिस कोर्स इन 43,243,200 रुपए में, आपको एक कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका मिल जाएगा। नीचे से। So, यहां पर अगर मैं बात करूं 43,200 के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज जो मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मेरा गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोसेस। मैं आपके साथ रहूंगा दोस्तों कंप्लीट इस प्रोसेस के अंदर में। सो अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा एच प्रोग्राम था, यूपीएससी एच प्रोग्राम, क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज। सो दोस्तों ये फ्री क्लास थी आपकी यूट्यूब पे, जिसको हमने एक्सटेंड कर दिया, मिशन हमने स्टार्ट कर दिया, मिशन की आज मेरी फर्स्ट क्लास है दोस्तों, ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया, बट ये यूपीएससी एच का हमारा जो प्रोग्राम था उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्रैक ये जो था हमारा एच के ऊपर था, एच प्लस, ये एच पे मैं लिख के आया था, वहां पर आप जाओगे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी और बहुत सारे कोर्सेज मैंने कराए हुए थे। आज जो है अपना टॉपिक ऑफ द डे वो क्या है दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं यार दोस्तों, अप्रोच क्या होगी, अपनी अप्रोच क्या होगी, क्या अप्रोच से हम स्टडी करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे चीजों को, कैसे हम स्टडी करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दोस्तों मैं कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट जाने वाला हूं, हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से मैं डिस्कशन करूंगा ईच कॉन्टिनेंट्स। सो कॉन्टिनेंट के हिसाब से मैं कैसे, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कितने अपने पास क्या है दोस्तों, आपके ओशियंस है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। सो बात करते हैं दोस्तों कॉन्टिनेंट और ओशियन, हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले ये कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो मेरे सामने, दिस इज नोन एज नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद अपने पास दूसरा है सेकंड साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद तीसरे कॉन्टिनेंट पे चलते हैं यूरोप, सबको पता है ना यूरोप, ठीक है, इधर एशिया से अलग होता है आपका, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर इसको अलग करता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका के बाद हम बात करते हैं, दिस इज एशिया, एशिया के बाद यहाँ पर आते हैं, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, है ना, एंड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्या है मेरे पास, एंटार्क्टिका। सो ये सारा का सारा क्या है दोस्तों, दिस इज आवर कॉन्टिनेंट्स, ये हमारे क्या हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंट्स हैं सारे के सारे, अगर आपको पता चल रहे हो, अगर आपको दिखाई दे रहे हो, सो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, ओके, ये क्या है अपने पास कॉन्टिनेंट्स है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका, इधर ये है ओशियन, फर्स्ट ओशियन हमारे पास कौन सा हो गया, पैसिफिक, हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, हिंदी में मेरे प्यारे छात्रों इसको बोलेंगे प्रशांत महासागर, थोड़ा से शांत रहो, हिंदी में बताऊंगा। ये सेकंड जो है अपने पास, दिस इज अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक, इंग्लिश हिंदी सेम नाम रहेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता हूं मैं, दिस इज सदर्न ओशियन, है ना, ये पूरे एंटार्क्टिका को घेरे हुए है, इसको हम कई बार एंटार्क्टिका ओशियन भी कह देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडियन ओशियन, कौन नहीं जानता इसको, हिंद महासागर, एवरीबडी नोज अबाउट द हिंद महासागर। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज आर्कटिक ओशियन, ये हमारा है आर्कटिक ओशियन। और इसके बाद अगर हम बात करें, सो बेसिकली दीज आर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, दिस इज 5, दिस इज नंबर 6 एंड दिस इज नंबर 7। तो एक एक कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे, है ना, हमारी अप्रोच ऐसी ही रहेगी, एक एक कॉन्टिनेंट वाइज हम क्या करेंगे इसकी स्टडी करेंगे। ओशन देखते हैं, पैसिफिक ओशन दिस इज द फर्स्ट, है ना, अटलांटिक ओशन दिस इज द सेकेंड, है ना, इंडियन ओशन दिस इज द थर्ड, ओके, एक बार इसको हम ऐसे नहीं देखते, चलिए पहले मैं कॉन्टिनेंट बारे में बात करूंगा। 1, नॉर्थ मतलब उत्तरी, है ना, हिंदी इंग्लिश का यहाँ कोई लोचा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई अब तुम नॉर्थ अमेरिका लिख रहे हो तो नॉर्थ का मतलब यहाँ नॉर्थ होगा, हिंदी में अमेरिका मतलब पाकिस्तान हो जाएगा, नहीं,
नॉर्थ अमेरिका, सिंपल नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे बेसिक से नहीं कर सकते यार, है ना, बिल्कुल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। सो फर्स्ट हमारे पास क्या, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नंबर दो पर क्या है मेरे पास, साउथ अमेरिका, नंबर तीन पर क्या मान लेते हैं, अफ्रीका, नंबर चार पे मेरे पास यूरोप, नंबर पांच पर मेरे पास क्या है दोस्तों, एशिया, नंबर छह पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और नंबर सात पर क्या है मेरे पास दोस्तों, एंटार्क्टिका। बात समझ में आ रही है? सो दीज आर द सेवन कॉन्टिनेंट्स, ये सात क्या है, महाद्वीप है मेरे पास। अब महासागर पे चलते हैं, पहला है पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अपने पास क्या, अटलांटिक ओशियन, तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों दिस इज आर्कटिक ओशियन, नंबर चार पे बात करते हैं इंडियन ओशियन, नंबर पांच पे बात करते हैं सदर्न ओशियन। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए अपने पास, दीज आर द फाइव इंडियन ओशियंस, पांच अपने पास क्या हो गए, ओशियंस हो जाते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ओशियन जो मैंने बताया, बस उन लिस्ट वाइज देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद एंटार्क्टिका। अच्छा दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे आप देख रहे हो इसको साइड करके पूरा लेटरल व्यू में, तो आपको शायद प्रॉब्लम आ रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें आप चैट जो है ना, जब आप हॉरिजॉन्टल करोगे उसमें, तो ऊपर बटन आता है चैट ऑफ का, तो वो चैट ऑफ कर दो तो आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा, है ना, चैट ऑफ करनी पड़ेगी तभी आपको दिख पाएगा। सो यहाँ पर देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अपने कॉन्टिनेंट्स है। ओशन की बात कर लेते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशियन, इसके बाद है इंडियन ओशियन, इसके बाद क्या है आर्कटिक ओशियन, इसके बाद क्या अपने पास सदर्न ओशियन, इसके बाद क्या अपने पास दोस्तों सदर्न ओशियन। सो दीज आर द ओशियंस, और ये अपने पास क्या है दोस्तों कॉन्टिनेंट्स। तो कुल मिला के अगर हम देख रहे हैं यहां पर, तो अपने पास सात तो ओशियन है, ठीक है, सात कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप, और पांच क्या होगी ओशियन। अब अप्रोच क्या रहेगी सर मेरी, मेरी अप्रोच यही रहेगी दोस्तों, एक एक कॉन्टिनेंट को पकड़ेंगे हम, ठीक है, वन बाय वन ईच कॉन्टिनेंट। जैसे आज हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हमने यहां से पिक किया है किसको गाइज, आपके साउथ अमेरिका को। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट जो है हम वो डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपका, एक एक कॉन्टिनेंट, वन बाय वन कॉन्टिनेंट जो है इसको वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। सो साउथ अमेरिका डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बाकी कॉन्टिनेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन मैं कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट चलने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बट वीडियो अपनी स्टक कर गई थी, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है आपको मैंने बता दिया दोस्तों। पहला, आपको एक आपके पास में लार्ज स्केल मैप होना चाहिए, लार्ज मैप आपके पास में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं करूँ आपके मैप के अलावा, अगर हम बात करते हैं रुकिए, आज आपको अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, बेस्ट क्लास एक्सपीरियंस देना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग नाराज लग रहे हो यार कुछ मेरे से। चलिए आप बताइए आवाज आपको आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मैं लार्ज आपके पास मैप होना चाहिए, बड़े स्केल का ना, मतलब एकदम दीवार भर जाए, पहली बात। दूसरे नंबर पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक एटलस भी होनी चाहिए आपके पास, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इसके बाद एटलस के बाद देखो आपके पास एक तो होना चाहिए ब्लैंक पेज, एक अपने पास क्या होना चाहिए आपका दोस्तों ब्लैंक पेज होना चाहिए, और एक अपने पास क्या होना चाहिए दोस्तों पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास अभी हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर आप मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो ये चारों पांचों चीजें जरूरत है, नहीं तो दोस्तों पिटाई हो जाएगी, चलते पंखे में गर्दन दे दी जाएगी आपकी, सजाए मौत, आप जानते हो सभी लोग, है ना। चलिए यार फटाफट लाइक और कमेंट करते रहो, लाइक शेयर करो, शेयर आप लोग कर नहीं रहे हो, ठीक है, बहुत 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 बुरा लग रहा है मुझे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लड़ झगड़ के, आप लोग पता है ना आपको कितना लड़ झगड़ के दोबारा आपके लिए मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, और अगर आप ऐसा रिस्पॉन्स दोगे ठंडे वाला तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। 1400 पीपल्स आर वॉचिंग एंड लाइक्स आर स्टिल 836, है ना। सो मुझे लग रहा है कि नाइंसाफी है, और अभी देखोगे आप किस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, जस्ट अभी आप देखना, ठीक है, किस तरीके की ग्राफिक एनिमेशन और वीडियो हमने इस्तेमाल की है, मतलब वीडियो को बनाने में मेरे को एक दिन लग गया होगा पूरा, बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मुझे इसमें जरूरत पड़ी है, और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा संदीप हंटर साहब का इसमें। चलिए अब आगे बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्थ अमेरिका, है ना। ये देखो नॉर्थ अमेरिका हम देखें, सो नॉर्थ अमेरिका आपको वर्ल्ड मैप में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जस्ट साउथ अमेरिका के नीचे। तो सिचुएशन कहां होगी, ये जस्ट साउथ अमेरिका के नीचे आपका नॉर्थ अमेरिका के नीचे स्थित है। हम बात क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका नहीं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है इट इज लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ द
जस्ट साउथ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका के जस्ट साउथ में है, दिख रहा है आपको, है ना, साउथ में है। तो अगर मैं आपका देखूं तो किस हेमिस्फेयर में लाई करेगा आपका ये, तो मेजॉरिटी यहां से आपकी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये इक्वेटर जाता है 0 डिग्री, यहां से आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर ये सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है, कौन से हेमिस्फेयर में लाई करेगा, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। और वैसे पर आप देखोगे तो प्राइम मेरिडियन यहां से जाती है, ठीक है, फ्रॉम हियर। सो ये कौन से में हो गया, प्राइम मेरिडियन, मैंने आपको बताया प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री इसको बोलते हैं इक्वेटर, आपको पता है बात। और इधर जो होती है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन और आपका ग्रीनविच मेरिडियन, याद है आपको, ठीक है, मैंने बताया हुआ था प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। सो ये ग्रीनविच मेरिडियन के इधर है आपका, किधर लोकेटेड है आपका, ईस्ट में, ठीक है, सॉरी इधर है वेस्ट में, इससे वेस्ट में है, और इसके ज्यादातर जो है ये आपका 0 डिग्री के साउथ में है। सो अगर मैं बात करूं आपका, तो आप क्या कह सकते हो, इट इज लोकेटेड इन द मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में लोकेटेड है, अगर इधर बात करें तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, पूरा का पूरा पश्चिमी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में स्थित है। नहीं आई बात समझ में, बहुत सिंपल सी चीज है, सरल सी चीज है। हमने जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया था तो हमने बताया था दो लाइन है जो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पहली होती है 0 डिग्री, 0 डिग्री को दो भागों में बांटती है, इधर क्या आता है मेरे पास, इधर आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर क्या आता है दोस्तों मेरे पास, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, दो हेमिस्फीयर आ गए मेरे पास। इधर अगर मैं बात करता हूं तो इसके ऊपर अगर बात करें तो यहां पर आ जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहां पर क्या आ जाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। इन केस अगर वीडियो आज आपका फंसता है, रुकता है, स्टक करता है, तो आपको सिर्फ जरूरत होगी 2 मिनट शांति से बैठने की, ठीक है, प्रबंध किया हुआ है मैंने। दूसरा आज अगर वीडियो स्टक करती है, इन केस पहले तो होगी नहीं, और अगर वीडियो स्टक करती है तो तुरंत जो है आपके दूसरी वीडियो जो है आपकी वो चला दी जाए, दूसरे आप थोड़ा वेट करना, तुरंत जो है आपकी वीडियो वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना, बस थोड़ा मुझे टाइम लगेगा उसको चीज को टैकल करने में, उसको स्विच करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हम क्या है नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास। सो मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है आपका, ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में लाई करता है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में आपका स्थित होता है ना। और वैसे देखोगे तो किस में होता है आपका दोस्तों, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध में आपका स्थित होता है। चलिए इसे आगे मूव करते हैं, बढ़ते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट देखना चाहूं आपका, तो ये हो गया हमारे पास क्या, नॉर्थ अमेरिका। अब इस नॉर्थ अमेरिका के कुछ फिजिकल कुछ फीचर्स जो है, कुछ बातें जो हमें करनी पड़ेगी। अगर मैं नॉर्थ में देखूं, इसके नॉर्थ में क्या है, इसके कैरेबियन सी, है ना, कैरेबियन सागर, हिंदी में सेम नाम रहेगा, कैरेबियन सी बोले तो कैरेबियन सागर। उसके बाद वेस्ट में अगर मैं बात करता हूं आपके, तो यहां पर क्या है दोस्तों आपका, हियर लोकेटेड द पैसिफिक ओशियन, यहां पर क्या लाई करेगा आपका दोस्तों, यहां पर आपका लाई करेगा प्रशांत महासागर। किधर लाई कर रहा है आपका दोस्तों, वेस्टर्न साइड में, है ना, तो वेस्टर्न साइड में प्रशांत महासागर। ईस्टर्न साइड में अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न साइड में है आपका दोस्तों अटलांटिक ओशियन। ईस्टर्न साइड में क्या है गाइस, ईस्ट में है हमारे पास अटलांटिक ओशियन। आई होप आपको क्लियरली विजिबल है, सभी को दिख रहा होगा, ईस्ट में आपका है अटलांटिक ओशियन। ऊपर चलते हैं दोस्तों, यहां पर है एंटार्क्टिका ओशियन, जिसको हम सदर्न ओशियन भी बोलते हैं। सो दिस इज द लोकेशन, नॉर्थ में क्या है, कैरेबियन सागर, आपको पता होना चाहिए आप जिस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हो उसके आसपास क्या है। सो नॉर्थ में क्या है दोस्तों, कैरेबियन सागर है, इधर क्या है दोस्तों आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर क्या है अटलांटिक ओशियन, और इधर क्या है दोस्तों आपका एंटार्क्टिका ओशियन। कुछ इस प्रकार से ये चारों तरफ से आपका घिरा हुआ है, ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए अब कुछ और बात करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, यहां से यहां तक ये लैटिट्यूड है, मैंने बताया था। अगर हम देखें आपका, सपोज दिस इज अर्थ, अगर ये जीरो, तो हमने इस पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई थी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास होती हैं, ये क्या करती हैं दोस्तों आपका, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, 0 डिग्री से अगर मैं ऊपर जाता हूं 90 डिग्री, है ना, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर नोन एज द लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऐसे मेरे पास वर्टिकल लाइंस होती थी, जिनको हमने क्या नाम दिया था आपका गाइज, लॉन्गिट्यूड होता है। सो हमें देखना पड़ेगा ना साउथ अमेरिका किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है। सो बेसिकली अगर मैं देखूं तो 12 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, ठीक है, कौन सा, 12 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में, एंड साउथ में कहां पर है दोस्तों, 55 डिग्री 59 मिनट साउथ, यहां पर लोकेट है। ईस्ट में अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड वेस्ट, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसलिए इसमें सिर्फ वेस्ट आएगा, है ना, आपका 92 डिग्री वेस्ट से कहां पर फैला हुआ आपका, 28 डिग्री 51 मिनट वेस्ट। समझ में आ रही बात, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये अक्षांशीय विस्तार है इसका, दिस इज अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों आपका, दिस इज देशांतरीय विस्तार, ठीक है, देशांतर में कहां तक फैला है, तो देशांतर में 92 डिग्री वेस्ट से 28 डिग्री 51 मिनट वेस्ट तक फैला हुआ है। और अगर मैं अक्षांश में बात करूं तो 12 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ से लेकर 55 डिग्री 59 मिनट साउथ तक फैला हुआ है, बात समझ में आ रही है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो नॉर्थ से साउथ की लेंथ मुझे देखनी है, नॉर्थ से साउथ की लेंथ अगर देखें तो कितनी है पता आपको, 7640 किलोमीटर। अगर पूरे कॉन्टिनेंट की अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप जानना चाहो तो वो कितनी है, 7640 किलोमीटर। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं दोस्तों। अभी मैं ईस्ट से वेस्ट की लेंथ देखते हैं, दिस इज द ईस्ट टू वेस्ट लेंथ, ये कितने आपके दोस्तों 4990 किलोमीटर, दिस इज 4990 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की इसकी लेंथ है। हाईएस्ट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट ये सबके सब देखेंगे, ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत जबरदस्त तरीके से सेशन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं यार, बस शेयर करते रहो, एक ही चीज की दिक्कत है मुझे, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, दो लाइंस हैं जो यहां से पास होती है और वो लाइन कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर किस किस देश से गुजरती है, देखो यहां पर इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा, कुछ बेसिक बातें है ना, किन किन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में, नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है, ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये बात की हमने। लैटिट्यूडनल अक्षांश में कितने में फैला है, देशांतर में कितने में फैला है, ये सारी हमने बेसिक बेसिक आपके सामने बात की थी, है ना। अब मैं क्या बात करने वाला हूं, अब मैं बात करने वाला हूं कि कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड यहां से पास होता है। सबसे पहले 0 डिग्री इक्वेटर, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सवाल आता है कि बताओ साउथ अमेरिका में इक्वेटर कहां से पास होता है, तो इक्वेटर कहां से पास होता है दोस्तों, इक्वेटर पास होता है देखो सबसे पहले इक्वाडोर, एक कंट्री है यहां पर जिसका नाम है इक्वाडोर। अब ये कंट्री वाला जो है ना, बहुत तगड़ी एक स्टोरी है, दो पियक्कड़ आदमियों की, दो बेवड़े होते हैं, शराब पीते हैं, उस शराब की कहानी से पूरी साउथ अमेरिका की कंट्री आपको याद कराऊंगा, है ना, और शराब के पीने के बाद क्या ड्रामा होता है, देखो दो आदमी पहले तो पियेंगे, फिर जब नशा हो जाता है, दो दोस्त हैं, जब नशा हो जाता है उसके बाद में जो ड्रामे करते हैं उनमें उनकी कैपिटल का नाम है, समझ में आ रही बात। तो एक पूरी कहानी है दो बंदों की जो शराब पी के धुत है और वो क्या करते हैं लास्ट तक, तो इस पूरी स्टोरी के अंदर मैं आपको कैपिटल और कंट्री पूरी याद कराने वाला हूं। सो देखते हैं अगर आज हो पाता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में आपका वो चलेगा। इक्वाडोर के बाद में क्या है दोस्तों, यहां पर कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में नेक्स्ट कंट्री कौन सा है यहां पर, ब्राजील, और ब्राजील के बाद, ये तीन कंट्री है जो आपका इक्वेटर से पास होती है, ठीक है। सो मैं आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, मैप होना चाहिए, आप बनाना है आपको, इक्वेटर इक्वेटर खींचो, उसके ऊपर तीन कंट्रीज के नाम लिखने आपको, इक्वाडोर कोलंबिया और तीसरी क्या है आपका ब्राजील। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितना है, 23.5 डिग्री साउथ, है ना, ये 0 डिग्री है। यहां सबसे पहले क्या, चिले, चिले के बाद नीचे क्या, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, चिले, पराग्वे, उसके बाद क्या, ब्राजील। सो कुल मिला के आपका इक्वेटर पास होता है तीन कंट्रियों से, तीन देशों से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितने देशों से पास होता है दोस्तों आपका, इट पासेस फ्रॉम द 4 कंट्रीज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इक्वेटर साउथ अमेरिका के किन तीन देशों से होकर गुजरता है, तो आप सिंपल सी याद रखोगे, सर इक्वाडोर कोलंबिया एंड ब्राजील। नाम अभी मैं कंट्रीज के आपको सारे पढ़ाऊंगा, याद भी कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो आप। और अगर मैं यहां पर बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहां पर है क्या आपका दोस्तों, चिले, उसके बाद है आपका अर्जेंटीना, उसके बाद है पराग्वे, और क्या है आपका ब्राजील। कुल मिला के चार देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है, और इक्वेटर जो है आपका, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, वो कुल मिला के तीन देशों से आपका पास होती है, इक्वाडोर कोलंबिया एंड ब्राजील, ठीक है। चलिए अब कुछ और बेसिक फैक्ट्स है जिनके बारे में अपने को चर्चा करनी है, बट सीरियसली दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं सभी लोगों से, जितना जो मेरे पुराने छात्र हैं यार, इसको लेके आने के लिए ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके साथ, ज्योग्राफी दोबारा लाने के लिए ना मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, और अगर ये रिस्पॉन्स रहेगा ना तो आई एम हाईली डिमोटिवेटेड। गाइज प्लीज यार, प्लीज शेयर करो वीडियो को, जितना तक फैला दो आग की तरह, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब अपना। अब देखो अब अपनी वीडियो जो है उसकी क्वालिटी में आपको दिखाता हूं किस किस्म का हम पढ़ने वाले हैं, मतलब किस लेवल का यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ना, वो आपको दिखेगा दोस्तों, अपनी क्लास का लेवल आपको दिखेगा, सारी चीजें ना आप विजुअलाइज करने वाले हो मेरे साथ, ठीक है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से, कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, और वो पॉइंट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे देख लेते हैं, लेट्स सी। चल नहीं रही वीडियो, यहां पे कैसे आ गया, नहीं यार, स्लाइड शो।
दोस्तों फोन को लेटरल कर लो, टेढ़ा कर लो, और जब फोन को आप टेढ़ा करोगे ना तो उसमें सब, और चैट को ऑफ कर लो ऊपर से यार, तभी हो पाएगा ना, चैट को आपको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सो यहां पर आप मेरे साथ हैं और लेट स्टार्ट। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं थोड़ा सा साउथ अमेरिका के बारे में। तो ये रहा अपने पास साउथ अमेरिका, कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ऊपर से अगर हवा में अगर हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका साउथ अमेरिका देखेगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं उसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु। दिस इज द पुंटा गैलिनस, है ना, कोलंबिया में स्थित है। दिस इज द पुंटा गैलिनस, आप देख पा रहे हो मेरे सामने, है ना, मेरे साथ आप देख पा रहे हो। दिस इज द पुंटा गैलिनस, और जो पुंटा गैलिनस है दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, है ना, कहां पर स्थित है गाइज, इट इज बेसिकली लोकेटेड इन द कोलंबिया। ये आपका किस में स्थित है आपका दोस्तों, कोलंबिया के अंदर में आपका स्थित है पुंटा गैलिनस। इसको हम नाम देंगे पुंटा गैलिनस, इसका नाम रहेगा, ठीक है। हियर इट इज लोकेटेड पुंटा गैलिनस। पुंटा गैलिनस के बाद में हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका पुंटा गैलिनस, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो आपका ये रहेगा। दिस इज नोन एज पुंटा गैलिनस। पुंटा गैलिनस आपका कोलंबिया में स्थित है। पुंटा गैलिनस के बाद में हम चलते हैं आपका, ये तो था सबसे उत्तरी बिंदु, अब सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये देख रहे हो, दीज आर द आइलैंड्स, इनको हम बोलते हैं आपका गैलापागोस आइलैंड्स। व्हाट इज नोन एज, दिस इज नोन एज द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। सो गैलापागोस आइलैंड ये रहे आपका, ये वोल्केनिक आइलैंड है जो आपका पैसिफिक ओशन में स्थित है, ठीक है। देखो यहां पर देख पा रहे हो आप आइसले, जिसको बोला गया आइसले गैलापागोस। सो गैलापागोस आइलैंड है आपके, ठीक है, ये बेसिकली इक्वाडोर के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, किसका, आपका साउथ अमेरिका का। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमने देखा पुंटा गैलिनस, ये आपका हो गया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हो गया वो आपका कौन सा हो गया दोस्तों, वो आपका हो गया पुंटा, वेस्टर्न मोस्ट हो गया आपका, आपका गैलापागोस आइलैंड। अब हम बात करते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट, देख पा रहे हो मेरे पास दोस्तों, सदर्न मोस्ट पॉइंट इज द केप हॉर्न, यहां पर दिख रहा है आपको, दिस इज द केप हॉर्न, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। वैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर मैं वर्ल्ड का बात करूं, जो इनहेबिटेड, जो लोग रहते हैं ना, वो ये है, ठीक है। दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट जहां पर लोग रहते हैं, है ना, लेकिन ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है जहां पर लोग रहते हैं। अगर मैं वैसे अगर हम बात करूं तो यहां पर इसको हम नहीं जानते, दिस इज द पुंटा एरिनस। सदर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे जहां लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं पुंटा एरिनस, बट कॉन्टिनेंट का अगर मैं दक्षिणतम बिंदु अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं केप हॉर्न। मेरी बात समझ में आ रही है, आप लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, सिंपल सी सरल सी बात मैंने की है, कोई बात नहीं। चलो दोबारा से एक बार इसको देखते हैं, सो दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो अभी आप मेरे साथ देख रहे हो, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दिस इज द ईस्टर्न पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मार्टिन वेज, और जो मार्टिन वेज है ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कहां से बिलोंग करता है आपका, बेसिकली ये आता है ब्राजील के अंडर में। कहां पर स्थित है आपका ये एंटार्क्टिका में स्थित है। समझ में आ रही बात आपको गाइस, आवाज आ रही है, कोई तकनीकी कमी, कोई तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दीजिए मुझे। जूम है एकदम, बिल्कुल यार जूम करके ही चल रहा है मार्टिन वेज। फोन को आप साइड में करेंगे ना, सीधा करके मत देखिए, फोन को पोर्ट्रेट मोड पे करो, जब आप ऐसे टेढ़ा करोगे ना, मेरा फोन कहां है, ठीक है, फोन को ऐसे करके मत देखो, ठीक है, फोन को ऐसे करके देखो, और ऐसे करोगे ना तो ऊपर यहां पे चैट बटन ऑफ करने का बटन आएगा, ठीक है, उसको ऑफ कर दो, ठीक है, पूरा मौसम बिगाड़ देते हो यार आप लोग, ठीक है। अब दोबारा से मेरे को ये आपको दिखाना पड़ेगा, दोबारा कैसे, सो ये था हमारा पुंटा गैलिनस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अभी एक बार बता दिया, अभी आप उसी तरीके से फ्लो में रहोगे, ठीक है, अभी आप ऐसा डिस्कस नहीं करोगे, ध्यान से देखते रहो बस आराम से। दिस इज द पुंटा गैलिनस, पुंटा गैलिनस आप देख पा रहे हो, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ये सबसे उत्तरी बिंदु है आपका, किसका है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका जो लोकेटेड है, आपका स्थित है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ये आपका कोलंबिया के अंदर स्थित है, कोलंबिया सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, आप देख पा रहे हो उधर, ठीक है।
आराम से देखो दोस्तों, ये कैरेबियन सी के अंदर है, कैरेबियन सी के अंदर में स्थित है आपका, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उत्तरी सबसे बिंदु है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, आपका नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे, अगला पॉइंट होगा हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु, देख पा रहे हो आप, ये पश्चिम में है ना, आप देखो आपके पास भी एटलस होना चाहिए, मैप होना चाहिए, तो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। ये आपका किसके अंदर आता है, ये इक्वाडोर के जुरिसडिक्शन, इक्वाडोर के क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है, गैलापागोस आइलैंड। सो दिस इज द गैलापागोस आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड है आपके, है ना, ऐसे ग्रुप है। मैं चाहता हूं आपके पास मैप हो दोस्तों, और वहां मैप में आप देखो कि गैलापागोस आइलैंड जो है वास्तव में वो आपका कहां पर लोकेट है ना। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट पॉइंट, सो देख पा रहे हो आप, दीज आर द आइलैंड्स, है ना, आराम से आप देख पा रहे हो, मेरे हिसाब से चीजें बहुत क्लियरली विजिबल है। सो दिस इज गैलापागोस आइलैंड्स। अविनाश कुमार मेहता, समझ में आने का कुछ है ही नहीं, दीज आर द पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट साउथ अमेरिका का, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है दिस इज द केप हॉर्न। केप हॉर्न साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन इसको हम दक्षिणी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये दक्षिणी है बट वैसे होता है पुंटा एरिनस, जहां लोग रहते हैं। देखो इधर पानी है ना, पानी में लोग थोड़ी ना रहेंगे। सो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, बट जो लोग रहते हैं वो कहां पर रहते हैं दोस्तों, पुंटा एरिनस। और पुंटा एरिनस कहां पर है, पुंटा एरिनस इज बेसिकली लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका का, सॉरी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में आपका पुंटा एरिनस जो है वो आपका स्थित है। केप हॉर्न, केप हॉर्न के बाद मैं बात करता हूं, देखो दोस्तों ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, अब इसमें देखने का समझने का मुझे पता ही नहीं आपको क्या दिक्कत हो रही है। दिस इज द मार्टिन वेज, मार्टिन वेज जो है ये सबसे कहां पर आपका लोकेट है, बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड। मार्टिन वेज जो है ये ईस्टर्न साइड में, अभी देख लो बाकी पूरी चीजें मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड इन द साउथ अमेरिका, ठीक है, केप हॉर्न हाँ साउथ अमेरिका का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। दिस इज मार्टिन वेज, ये ब्राजील के अंडर में आता है, मार्टिन वेज जो है ब्राजील के अंडर में आता है, एंड दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये क्या है दोस्तों, आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, डोंट वरी, ये मैं फिर से बता दूंगा, बस अभी मैं पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, एक विजुअल का एंजॉय करो यार। यहां पर है अकांकुआ, ये है आपकी द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, रॉकीज एंडीज माउंटेन चेन, सुनिए आपने एंडीज माउंटेन, एंडीज साउथ अमेरिका का सबसे आपका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और अगर मैं बात करूं अकांकुआ, तो अकांकुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है, किस पर्वत पर स्थित है, बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन द एंडीज माउंटेन। ये कहां पर स्थित है आपका दोस्तों, ये आपको सरल है, सिंपल है, पता रहना चाहिए, इट इज लोकेटेड इन द एंडी ऑन द एंडीज माउंटेन, ठीक है। ये आपका कहां पर लोकेटेड है, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन क्या है पता है ना आप लोगों को, आई होप आपको पता होगा, एंडीज माउंटेन जो है, एंडीज माउंटेन जो है वो क्या है आपका, एंडीज माउंटेन इज बेसिकली लोकेटेड इन द सदर्न आपका साउथ अमेरिका, उसके अंदर ये है आपका अकांकुआ, माउंट अकांकुआ। इसके बाद बात करते हैं, अकांकुआ है हाईएस्ट पीक है आपका, कहां का हाईएस्ट पीक है, दक्षिण अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। उसे आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सो नेक्स्ट मूव करेंगे, अगली चीज क्या हमारे पास देख लेते हैं, सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। देखो लोवेस्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आता है वेलदास पेनिनसुला, है ना, आप मैप में देखोगे तो राइट साइड में, साउथ राइट साइड के अंदर आपको दिखेगा वेलदास पेनिनसुला। वेलदास पेनिनसुला जो है दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पार्ट है, सॉरी लोवेस्ट पार्ट है आपका कहां का, साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिण है, सबसे लोवेस्ट पार्ट है। समुद्र का जो सी लेवल होता है ना, उससे भी 40 मीटर नीचे आता है आपका वेलदास पेनिनसुला। क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो तीन साइड किससे गिरा हो, आपका वाटर से गिरा, उसको हम क्या बोलते हैं आपका पेनिनसुला। सो दिस इज द वेलदास पेनिनसुला, बात समझ में आ रही है आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना नेक्स्ट मूव करते हैं। सो यहां पर अगर मैं बात करूं, दिस इज द लेक टिटिका, दिख रही है आपको, ये दो कंट्रियों के बॉर्डर को बनाती है, मतलब दो कंट्रियों में आती है आपका, पहला आती है आपका पेरू और दूसरा किसके अंदर आती है आपका बोलीविया के अंदर। अरे अभी सिर्फ आपको मैं चीजें दिखा रहा हूं, मैं आपको फीचर दिखा रहा हूं, ये पढ़ाऊंगा एक एक के बारे में, डिस्क्रिप्शन अलग से कराऊंगा, चिंता मत करो, इसमें समझ में आने का कुछ नहीं है, ये देखना है आपको। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि अंगूर कैसे होते हैं, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको सेब कैसे होते हैं, संतरा कैसी होती है, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू द थिंग्स। बात आ रही समझ में, हम आपको चीजें दिखा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं है। सो दिस इज द लेक टिटिका, लेक टिटिका जो है ये आपका साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, पहली बात। दूसरा, सबसे हाइट पर स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो लेक होती है उसको हम बोलते हैं लेक टिटिका। कहां पर स्थित है, दो कंट्रियों में, बोलीविया और आपका पेरू देश में स्थित है।
इसके बाद ये देख पा रहे हो आप यहां पर ये नदी जो देख रहे हो, दिस इज द अमेजोन रिवर जो जाकर यहां पर ऊपर गिर जाती है कैरेबियन सी में। ये माउथ है जिसको हम बोलते हैं मैकापा, ठीक है, MACAP मैकापा, ये आपका यहां पर गिर जाती है कहां पर जाकर आपका ये कैरेबियन सी में। और ये मैं सिर्फ आपको विजुलाइज करा रहा हूं, चीजें दिखा रहा हूं, डोंट वरी। दिस इज द लेक माराकाइबो, लेक माराकाइबो जो है ये यहां से ना वेनेजुएला के पास पड़ती है और यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल पाया जाता है, कच्चा तेल, ठीक है। दिस इज द लेक माराकाइबो। सो लेक माराकाइबो जो है इज फेमस फॉर द क्रूड ऑयल, सॉल्ट वाटर लेक है, खट्टी मतलब नमक का पानी होता है इसका। एक एक चीज दोबारा बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों, देख लो यार चीजों को, कौन सा कहां है, हाईएस्ट पीक लेक मैंने दिखा दी कहां स्थित है। सो बस मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं, ठीक है, कौन सी चीज कहां पर है। ये देखो आपका दिस इज लेक पोपा, ठीक है, पोपा लेक है आपका, यहां पर ये स्थित है आपका। दिस इज ऑल्सो सलाइन वाटर लेक, आपकी माउंटेन के ऊपर बनती है, हाइट के ऊपर बनती है। दिस इज द लेक पोपो, पोपो लेक जो है आपका यहां पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, दिस इज द लेक पोपो। पोपो लेक के बाद अगर मैं बात करूं आपका, सो पोपो लेक जो है वो बोलीविया में ही आपका स्थित होती है, आफ्टर द पेप, दिस इज द गल्फ ऑफ ग्वायनेक्विल। गल्फ का मतलब क्या होता है, गल्फ का मतलब आपका जैसे आपका होता है ना बे ऑफ बंगाल, ऐसे होती है गल्फ, गल्फ और बे में काफी थोड़ा ही डिफरेंस होता है। सो दिस इज गल्फ ऑफ ग्वायनेक्विल। सो ये रहा आपका गल्फ ऑफ ग्वायनेक्विल जो आपका स्थित है वेस्टर्न साइड में स्थित है, कहां पर आपका, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सी कहां पर स्थित है, तो ये जस्ट आपका पेरू के नीचे, पेरू के सदर्न साइड के अंदर यहां पर स्थित होगी। आपको ये बताना होगा कि एग्जैक्टली जो गल्फ ऑफ ग्वायनेक्विल है वो कहां पर आपका स्थित है, कहां पर लोकेटेड है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आपका, दिस इज द गल्फ, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, आप देख पा रहे हो, दिस इज द वन मोर गल्फ, ये भी आपकी एक गल्फ है। कहां पर स्थित है आपका, देख लो, दिस इज द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यहां पर ये आपकी लोकेटेड है। दिस इज द गल्फ, है ना, गल्फ ऑफ पीनस। सो गल्फ ऑफ पीनस यहां पर है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो आपका दोस्तों पेनिनसुला है, एक और प्रायद्वीप है, पेनिनसुला का मतलब है प्रायद्वीप, पेनिनसुला डी टियाटो, है ना, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट अपने पास, पेनिनसुला डी टियाटो। गल्फ ऑफ पीनस आपको दिख गया कहां पर है, गल्फ ऑफ पीनस आपका इधर स्थित है आपका सदर्न चिली के अंदर, दक्षिणी चिली के अंदर आपका गल्फ ऑफ पीनस जो है ये स्थित है आपका, पैसिफिक ओशन के अंदर है। क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, पूछ लिया जाता है कि बताओ कहां पर ये लोकेटेड है। सो दिस इज द गल्फ ऑफ पीनस, पेनिनसुला डी टियाटो इसके जस्ट ऊपर में है। समझ में आई बात आपको, पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप डी टियाटो इज जस्ट लोकेटेड अबव द गल्फ ऑफ पीनस। गल्फ ऑफ पीनस कहां है, ये आपका चिली देश के अंदर स्थित है जो पैसिफिक ओशियन में है। कहां पर है आपका दोस्तों, इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, ठीक है। सो ये था हमारा यहां से, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट जो है अपने पास कुछ और लोकेशंस है वो कौन सी है। दिस इज द पेनिनसुला डी टियाटो, यहां पर आप देख पा रहे हो, दिस इज द जस्ट उसके ऊपर था गल्फ ऑफ पीनस के जस्ट ऊपर, पेनिनसुला डी टियाटो देख पा रहे हो आप कहां पर है। पेनिनसुला डी टियाटो के बारे में बात कर रहे हैं हम। सो पेनिनसुला डी टियाटो यहां पर है आपका जस्ट आपका गल्फ ऑफ पीनस के जस्ट ऊपर है, ठीक है, देख पा रहे हो आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दिस इज द पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है गाइस प्रायद्वीप, ठीक है, हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गाइस आपका प्रायद्वीप। ये भी चिली के अंदर स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, यहां पर देख पा रहे हो, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये किस किस को सेपरेट करती है, साउथ अमेरिका और जो टेरल डी फ्यूआगो है, ये नीचे जो इलाका है ना, दिस इज नोन एज द टेरल डी फ्यूआगो, और ये जो इधर है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका और टेरल डी फ्यूआगो को अलग करती है। दिस इज द मैगेलन स्ट्रेट। स्ट्रेट पता है ना आपको क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सिंपल होता है जल संधि, मैं बताऊंगा। दिस इज द ड्रग पैसेज, ड्रग पैसेज क्या है दोस्तों, यहां पर देखो साउथ अमेरिका खत्म होता है एंड हियर इज द एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में जो आपका वाटर रीजन जो होता है, देख पा रहे हो, दिस इज द वाटर रीजन विच इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका एंड आपका एंटार्क्टिका, इसके बीच में जो पानी स्थित है इसको हम बोलते हैं आपका दोस्तों क्या, ड्रग पैसेज, व्हाट इज नोन एज, इट इज नोन द ड्रग पैसेज। सो ड्रग पैसेज हमने देख लिया, उसके बाद में हमने थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा मैं दोबारा से आपको, ठीक है।
दिस इज मैगेलन स्ट्रेट, देख पा रहे हो मैगेलन स्ट्रेट कहां पर है, इसके अगर मैं नीचे बात करूं दिस इज नोन एज द टेरल डी फुआगो, है ना, और ये नीचे क्या हो गया आपका साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका और इस नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम टेरल डी फुआगो, सो इनके बीच में आपका यहां पर स्थित है। आप देखो मैप होना चाहिए आपके पास, इसलिए तो मैंने बोला था बिना मैप के बैठोगे तो यहां कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा यार, ये कोई अचार थोड़ी ना है, ठीक है कि मिल रहा है आपको, आपको मैप लेके बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू स्टडी। सो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, स्ट्रेट का मतलब सिंपल होता है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है आपका जल संधि, ठीक है, स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, सिंपल बात है। जल संधि क्या होती है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी ऐसा हो इधर भी आपका लैंडमास हो, इधर भी लैंडमास हो और बीच में एक नैरो वाटर चैनल हो, नीचे पानी जा रहा हो, वाटर चैनल हो, उसको हम बोलते हैं जल संधि, स्ट्रेट, स्ट्रेट को क्या बोला जाता है जल संधि, है ना। तो ये भी जो ड्रग पैसेज है ये भी एक टाइप की जल संधि ही है जो हम देख रहे हैं आपके सामने, है ना, और ये है आपका आपका स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो गया आपको ऊपर देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, है ना, एक जल संधि टाइप का ही तो है यार, पानी टाइप का तो है, बीच में से एक आपका वाटर बॉडी ही है और कुछ नहीं है दोस्तों, दिस इज द मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट के बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अपन चलते हैं, सो मैगेलन स्ट्रेट के बाद में अगली चीज क्या होगी अपने पास, अगली चीज जो है अपने पास दैट इज अगेन वन पासेज जिसको हम बोलते हैं ड्रग पासेज, DRA। अब सीधा पूछा जा सकता है आपसे पेपर में जो आपका ड्रग पैसेज है वो कहां पर है, तो बेसिकली साउथ अमेरिका और किसके बीच में आपका, यहां देख पा रहे हो एंटार्क्टिका, दोनों के बीच में आपका लोकेटेड है, तो ये वाटर बॉडी है, पानी है और कुछ नहीं है, दिस इज द वाटर बॉडी जो किसके बीच में लोकेटेड है आपका, ये लोकेटेड है आपका, इट इज लोकेटेड बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड दूसरा क्या है आपका दोस्तों एंटार्क्टिका, नीचे देख रहे हो दिस इज एंटार्क्टिका, दिस इज साउथ अमेरिका, इनके बीच में स्थित है यहां पर, ठीक है। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं आपका ड्रग पैसेज। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका, सो नेक्स्ट जो बात करोगे दिस वन, ये क्या है अपने पास, दिस इज द ब्राजीलियन हाईलैंड, ये ब्राजील का हाईलैंड है, देख पा रहे हो आप, दिस इज द ब्राजीलियन हाईलैंड, ओके, सो दिस इज द ब्राजीलियन हाईलैंड हमने देख लिया है, ब्राजीलियन हाईलैंड यहां पर, हाईलैंड का मतलब होता है एक पठार टाइप का इलाका होता है, यहां पर देखो ये ब्राजील का हाईलैंड है, इसके जस्ट बराबर में जो मैंने बनाया हुआ है दिस इज आपका मेटागोरासो प्लाटू, मेटागोरासो है या इसको हम बोलते हैं आपका नीचे आओगे ग्रैंड चाको है, सो दिस इज द ब्राजील के अंदर में ब्राजीलियन हाईलैंड, दिस इज द प्लेटो ऑफ मेटागोरासो, नीचे है ग्रैंड चाको, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम मूव करें आपका, दिस इज द स्टेट ऑफ मेटागोरासो, इसको हम ये जो पूरा इलाका है ना जो आप ऊपर देख पा रहे हो इसको हम मेटागोरासो प्लेटू भी बोलते हैं, दिस इज द आपका रिवाडिया, रिवाडिया जो है दिस, यहां पर वो जगह है जहां हाईएस्ट टेम्परेचर था, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो आपका यहीं पर ऑब्जर्व किया गया था, रिवाडिया। गरम हो रहा है, नहीं कमांड नहीं ले रहा, सो दिस इज द रिवाडिया जहां पर आपका हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो आपने ऑब्जर्व किया है, रिवाडिया हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज द अट्टाकामा डेजर्ट, आपने सुना होगा ना अट्टाकामा डेजर्ट, यार दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है अट्टाकामा डेजर्ट, उसी के बारे में चलते हैं, रिवाडिया हाईएस्ट टेम्परेचर, इसके बाद अट्टाकामा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट कहां पर है दोस्तों, अट्टाकामा डेजर्ट जो है बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द चिली, चिली में एक जगह है और उस जगह का नाम क्या है दोस्तों आपका अरीका टाउन, कहां पर है अरीका टाउन के अंदर है। दिस इज द अट्टाकामा डेजर्ट, कहां पर लोकेटेड है, बेसिकली इट इज लोकेटेड इन अरीका टाउन। यार ये कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, कल इन सारी चीजों को मैप के अंदर लोकेशन में आपको मैं बताऊंगा, टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द अट्टाकामा डेजर्ट, फटाफट से देख लेते हैं, इनको खत्म करते हैं। अट्टाकामा डेजर्ट ये आप जानते हो इसके बारे में, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, कहां पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द चिली, चिली में एक टाउन है जिसको बोलते हैं हम अरीका टाउन, अरीका टाउन का मतलब क्या होता है, घोस्ट टाउन, उसको हम घोस्ट, कोई रहता नहीं है क्योंकि इतने डेजर्ट इलाके में कौन रहेगा, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, दक्षिणी चिली का ये भाग है।
सो दिस इज नोन एज द अटाकामा डेजर्ट. आप देख पा रहे हो दिस इज द अटाकामा डेजर्ट. ये आपका चिली में है, वेस्टर्न कोस्ट पर आपका ये लोकेटेड है अटाकामा डेजर्ट. अटाकामा डेजर्ट के बाद में हम नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों. अपना अगली क्या चीज है हमारे पास अटाकामा डेजर्ट के बाद में अगर मैं देखूं, सो हियर इज द नेक्स्ट थिंग, कम टू द नेक्स्ट थिंग, और ये है पेटागोनिया डेजर्ट. देख पा रहे हो आप, दिस इज द पेटागोनिया. ठीक है, इसको पेटागोनिया डेजर्ट भी बोल सकते हो, है ना, और इसको हम बोल सकते हैं आपका दिस इज द पेटागोनिया डेजर्ट. पेटागोनिया डेजर्ट कह रहे हो या प्लेटू, देख पा रहे हो आप साउथ में ये सारा का सारा अर्जेंटीना के अंदर स्थित है आपका. दिस इज पेटागोनिया प्लेटू, पेटागोनिया प्लेटू बोलते हैं इसको, जो आपका बेसिकली कहां स्थित है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में स्थित है. सो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिस इज द गुयाना हाईलैंड. ठीक है, आप और नीचे चलते हैं. हाईलैंड का मतलब उठा हुआ भाग. देखो हाईलैंड देखो कैसे होते हैं. सो हाईलैंड बेसिकली देखो, देख पा रहे हो आप, ये जमीन से कुछ उठे हुए भाग होते हैं. दे आर द अपलिफ्टेड पार्ट, जमीन से थोड़े से क्या होते हैं दोस्तों आपका उठे हुए होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द हाईलैंड. इनको हम क्या बोल देते हैं आपका हाईलैंड, इनको हम बोल देते हैं. क्लियर है दोस्तों ये बात आप सभी को? चलिए ये क्लियर है. तो अब आते हैं दोस्तों इनके कंट्रीज के ऊपर हम. आपको मैं दिख पा रहा हूं, अयांस नाम है शायद आपका. ठीक है, अयांस मैं समझ सकता हूं, आप थोड़े से ज्यादा उतावले हो रहे हैं. क्या करना है, ये चीज आपको सिर्फ दिखाई जा रही है. आज ही थोड़ी ना पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होगी कि आज ही लेक्चर था बस इसके बाद होगा नहीं. धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको. और एक चीज ना मुझे यार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो ये है कि आप मेरे को सिखाओ कि ऐसे पढ़ाओ. मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना. अगर आप मेरे तरीके से पढ़ सकते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन फाइंड समवन एल्स. आप कहीं और देख लो, किसी और चैनल पे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये मुझे मत बताओ कि कैसे पढ़ाना है, चिल करो, आराम से पढ़ो. अभी चीजें आपको दिखाई गई है सिर्फ और सिर्फ. मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट लेके यहां बैठ जाऊं, आपको कुछ बताऊं ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा क्या? आराम से बस थोड़ा फेथ करना होता है, भरोसा रखना होता है. वो नहीं है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. आप कोई दूसरा देख लो यार, किसी और से पढ़ लो, है ना. अगर आपको इतनी जल्दबाजी, मेरे पास इतना जल्दबाजी का काम नहीं है. साउथ अमेरिका कम से कम 10 दिन चलेगा ये. अगर आप चाहते हो मैं आज ही सब कुछ याद करा दूं आपको, तो मेरे बस की नहीं है भाई, आप कहीं और जा सकते हो. ये जितने भी प्लेसेस बताए थे सारे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको दिखाए हैं. एक एक प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन अलग से पढ़ाऊंगा, वो सब दिखाया. आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज करा दी, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना. एक अलग तरीका दिखा दिया आपको, एक अलग से चीजों को विजुलाइज करा दिया मैंने आपको. अटाकामा डेजर्ट दिखा दिया मैंने, अकांकुआ की रेंज आपको दिखाई मैंने, आपको गुयाना दिखाया, ब्राजीलियन हाईलैंड दिखाया. ठीक है, ये आपको पसंद नहीं आया, कहने का मतलब ये है. तो आप चाहते हो मैं टेक्स्ट रखूं यहां पे और पढ़ाऊं, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा. जिनको दिक्कत है यू कैन गो. ठीक है, आप यू कैन फाइंड सम गुड चैनल. मेरे को तो बेकार पढ़ाना आता है, कोई आप अच्छा चैनल ढूंढो जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए. समझ में आ रही बात आपको? यहां पर अगर आप बताओगे ना कि ऐसे पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, फटाफट से आप ब्लॉक हो जाओगे और कुछ नहीं होगा. सिंपल सी बात है, सरल सी बात है, साधारण सी बात है. अभी शुरू नहीं हुआ है, आपको लगता है आज ही सारा डेटा दे दूं मैं आपको, आज ही सब कुछ पढ़ा दूं? नहीं, एम्बेरसिंग यार, काफी डिस्गस्टिंग चीज करते हो आप लोग. मतलब आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि आप लोगों को के लिए कोई भी नई चीज करना जो है ना वो बेकार है. थोड़ा शांति रखो तो कितना अच्छा रहे यार. रट्टे तो मैं मरवा ही दूंगा यार, रट्टे मारने हैं तो रट्टे मरवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं बहुत सारा डेटा लिख के आऊंगा, उड़ेल दूंगा यहां पे, है ना. नए छात्र जो है ना इसमें, वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया बैठे शांति से, आराम से. ठीक है, नहीं बैठ सकते हो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जो बैठेगा पढ़ेगा वो यहां से सीख के जाएगा, ये मेरी गारंटी है.
सो साउथ अमेरिका, अब मैं बात करता हूं यहां पर आपका कंट्रीज, ठीक है, कौन सी कंट्रीज आपकी होंगी कौन सी नहीं होंगी। तो साउथ अमेरिका में कुल मिला के प्रिंसिपल 13 कंट्रीज है, 13 देश हैं। कौन कौन से हैं? सबसे साउथ से मैं स्टार्ट करता हूं, सदर्न से, दक्षिण से चलते हैं। सो ये है अर्जेंटीना, यहां पर है चिली। अब ये याद करना है, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर शॉर्टकट बताऊंगा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज चिली, चिली के बाद चलते हैं इधर, ये क्या आपका पेरू, ये क्या आपका दिस इज इक्वाडोर, ये क्या है आपका दोस्तों दिस इज नोन एज द, इसको अगर हम बात करें तो नोन एज द कोलंबिया, ये देश है वेनेजुएला, ये है आपका गुयाना, ये है आपका सूरीनेम, दिस इज फ्रेंच गुयाना जो फ्रांस से बिलोंग करता है, ये है आपका ब्राजील। अब ये याद करना है आपको, देखता हूं मैं इसके अंदर अब कोई एफर्ट अपने से लगाऊंगा नहीं, आपको देखते हैं कितना समझ में आएगा, है ना। ये यहां पर क्या है दोस्तों आपका, दिस इज द कंट्री जो नोन, जिसको हम कहते हैं बोलीविया, यहां पर ये कंट्री है जिसका नाम है पराग्वे एंड दिस इज उरुग्वे, सारी कंट्रीज हैं। अब मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की, मैंने बताया था आपको दो बेवड़ों की कहानी है, दो दोस्तों की जो शराब पी के धुत है, लेकिन अगेन मगर वो बताऊंगा आपको तो आप कहोगे सर ये तो हमें आती है, ये चीज क्यों बता रहे हो, हमें तो वो बताओ कि याद क्या करना है, हमें तो मलाई उतारनी है, ठीक है, सिंपली आपको बोलोगे तो चलो आपको जैसे बोलना चाहते हो जैसे करना चाहते हो कराएंगे, ठीक है। सो एक एक कंट्रीज के नाम वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, प्लस साथ ही साथ में इसके साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे आपका, हम डिस्कस करेंगे सारी इनकी कैपिटल्स, है ना, लाइक अर्जेंटीना की ब्यूनस एरिस है, उरुग्वे की आपकी क्या है मोंटीवीडियो असेंशन, उसके बाद में चिली की क्या है सेंटियागो, इसके बाद यहाँ पर क्या है लीमा, इसके बाद यहाँ पर क्या है बोलीविया का सुक्रे, उसके बाद ब्राजील की ब्रसीला है। अब ये यही लोकेशन है, मैं यहाँ भी लिख सकता था लीमा, ये मैप में आना चाहिए आपको दिस इज लीमा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए दिस इज सुक्रेस, आपको पता होना चाहिए दिस इज ब्राजील ब्रसीला, आपको पता होना चाहिए दिस इज असेंशन, आपको पता होना चाहिए दिस इज मोंटीवीडियो, दिस इज ब्यूनस एरिस, यहां पर स्थित है आपका ब्यूनस एरिस, अर्जेंटीना की कैपिटल है, दिस इज सेंटियागो यहां पर स्थित है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट, ये याद रखने हैं आपको, दिस इज क्विंटो यहां पर है, इसके बाद अगर मैं बात करूं दिस इज बोगाटो, दिस इज बोगाटो, बोगाटो के बाद अगर मैं बात करूं दिस इज वेनेजुएला की कैपिटल जिसका नाम है आपका कैरकस, कैरकस के बाद में यहां पर है आपका दोस्तों जॉर्ज टाउन जो आपका किसकी कैपिटल है गुयाना की, इसके बाद में ये है आपका पारामारिबो जो है दिस इज द कैपिटल ऑफ सूरीनेम, और ये है आपका दोस्तों साइनी दैट इज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच गुयाना। अब आपको ऐसे ही इसी ऑर्डर के अंदर में याद आपको रखना है, ठीक है, जैसा आप करना चाहो, मेरे पास एक कहानी है, देखना चाहो अगली क्लास में आ जाना। जो बच्चा मेरे से जुड़ना चाहे अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकता है, यूपीएससी सीएससी, उसके बाद में क्या होता है गेट सब्सक्रिप्शन, इतना अगर आसान होता ना यूपीएससी तो हर बंदा आईएएस ऑफिसर बन के बैठ जाता, ठीक है, आप लोगों को जितना आसान लगता है ना, इतना आसान लगता तो सब लोग आईएएस बन के, अब वो चीजें दिख रही हैं आपको, लग रहा है कि तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो चलो ठीक है अपने सर से ब्लेम उतारते हैं, सर के सर पे ब्लेम डाल देते हैं कि ठीक है सर ये मत, हमें दूसरा तरीका बताओ, है ना, तो सही है, अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा दिन रहा आप लोगों के साथ।